हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, सबके माइंड में एक डाउट होता है जब वो एक्सपोर्ट करने जाते हैं कि सर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसकी हमें रजिस्ट्रेशन कब लेनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है तो उसका सही समय कौन सा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेने से पहले आपको एक फर्म तो खोलनी होगी। फर्म खोलेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेने से पहले आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और एक्सपोर्टर की हेल्प करने के लिए प्रोडक्ट वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई हुई है। जैसे अगर आप फूड प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपिडा बनी हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप सपोज कीजिए कॉफ़ी में डील करते हैं तो कॉफ़ी बोर्ड बना हुआ है। अगर आप टी में डील करते हैं तो टी बोर्ड बना हुआ है। अगर आप स्पाइसेस में डील करते हैं तो स्पाइसेस बोर्ड बना हुआ है। अगर आप गारमेंट्स में डील करते हैं तो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी हुई है। ऐसे ही फुटवेयर में डील करते हैं तो यानी हर प्रोडक्ट की अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी हुई है। अब आप जिस प्रोडक्ट का ट्रेड करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, आपको तो उसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लेना है। आप अदर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन क्यों लेंगे, खुद सोचिए ना यार। एक बात बताओ, अगर मैं शूज का काम कर रहा हूं तो मैं स्पाइसेस की रजिस्ट्रेशन क्यों लूंगा, मेरा कोई लेना देना है। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप ध्यान में रखना है। और अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट में काम करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में आएगा सर एक बात बताओ, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं तो कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूं, तो अगर मुझे सपोज करो शूज की जगह स्पाइसेस का ऑर्डर ले लूं, मैं वेजिटेबल्स का ऑर्डर ले लूं, मैं चाय का ऑर्डर ले लूं, मैं कॉफी का ऑर्डर ले लूं, तब क्या करूं, तब क्या मैं अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लूं? नहीं। अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको उसी सेक्टर में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है, जिसे हम RCMC भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो आपको लेनी है FIO की मेंबरशिप। FIEO.org वेबसाइट है उनकी, तो आप जाके FIO की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप कब और किस समय लेनी है। मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं। फर्म बनाइए, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कीजिए, प्रोडक्ट वाइज काम करना चाहते तो प्रोडक्ट वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लीजिए। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट करने से पहले लीजिए, ये सारा काम पहले आपको करना है, ये चीज ध्यान में रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले शुरुआत कर देते हैं, बायर को टारगेट करने लग जाते हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब आपने फर्म बना ली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बना ले, उसके बाद मेंबरशिप लो ना यार, सीधा मेंबरशिप लो और उसके बाद काम करो। अपने स्टेप बिल्कुल क्लियर रखिए ताकि आगे जाके किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है, #AskCareerGuru या #AskHerSir टाइप करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और लगातार अपने सवाल पूछते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.